सिवनी मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के मुख्य मार्ग पर हाई स्कूल व्यवहारी है, जो मंडला जिले से लगा एक छोटा सा गांव है। इस गांव में हाई स्कूल होने के कारण आसपास के बच्चे शिक्षा लेने 7 किलोमीटर का सफर छोटी सी लकड़ी की नाव में बैठकर पहुंचते हैं। मामला लखनादौन विधानसभा की सबसे बड़ी आदिवासी ब्लॉक घनसौर का है। घनसौर मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर हाई स्कूल व्यवहारी है। यह स्कूल नर्मदा तट के किनारे बसा हुआ है, एक छोटे से गांव में स्थित है। इस स्कूल में नर्मदा नदी पार कर तेज लहरों और हवाओं का सीना चीर कर किंद्रा और पिपरिया गांव के 25 से 30 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल आते हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें लगातार डर सताता रहता है, लेकिन अपने गांव का नाम रोशन करने और शिक्षित होने के लिए बच्चे खतरे की शिक्षा लेने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों नर्मदा सेवा यात्रा का मुख्य कार्यक्रम ग्राम व्यवहारी में हुआ था और इस गांव में 10 से 15 साल बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने कदम रखा था। कार्यक्रम के बाद आज दिनांक तक ना तो इस गांव में अधिकारी पहुंचे और ना ही ब्लॉक स्तर के कर्मचारी। ये ग्राम पेपर ये कितना पड़ता है और ये जो नदी है नर्मदा नदी, ये कौन सी नदी है और क्यों इस नदी से आना जाना करते हो आप लोग? ग्राम पेपर कम यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर की है और ये नदी है जो नर्मदा नदी। कितने लोग आते हो आप लोग? 20-25 लोग नाव से सब जो आते हैं। डर नहीं लगता आप लोगों को? डर लगता है, कभी कभी हवा तूफान आ जाता है। तो कैसा लगता है आप लोग क्योंकि नाव से आते हो? नाव से हम जब आते हैं तो कभी किस्ती में ज़्यादा वजन ज़्यादा सवारी हो जाती है तो हम लगता है डर, तो डूबने का डर रहता है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यवहार। ये बेटा आप नाव से सफ़र करते हो, आप कितने बच्चे हो जो नाव से सफ़र करते हो और आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है? हमारा गांव यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर है और हम लोग 20-25 करीब हैं जो नाव से सफ़र करते हैं यहाँ। ये जो डैम है कौन सा डैम है? ये नर्मदा जी का नर्मदा डैम है। आप लोगों को डर नहीं लगता बेटा? कभी कभी हवा तूफान चलता है, डर लगने। फिर क्यों आप लोग नाव से ही आते हो? पढ़ना जरूरी है इसलिए हम नाव से आते हैं। नाव से कितने किलोमीटर दूर से स्कूल पढ़ने आते हो? सॉरी कितने किलोमीटर दूर से आते हो? 7 किलोमीटर दूर से आते हैं। कैसा लगता है आपको जब आते हो? कैसा लगता है आपको यहाँ इतनी दूर जब नाव में आते हो? पढ़ने के लिए आते हो? डर लगता है नाव में? परिवार भी डरता है आपका? तो आप अपने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी या जो आपके मामा कहलाते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे? किश्ती द्वारा आते हैं, उनको हमने ऊपर भी मास्टरों के द्वारा भी और हमारे पंचायत द्वारा भी कार्रवाई किए थे कि एक बोट यहाँ मेढ़ाघाट के नाम से दिया जाए कि यहाँ किश्ती लगती है, बच्चों भी आते हैं। तो ये है कि जैसे ज़्यादा भराव होने के कारण जो लहर चलती है और गड्ढा भी बहुत ज़्यादा है, जाए कि उस पर दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है प्रशासन आपकी सुन पाएगा? हम तो प्रशासन से यह कहना चाहते हैं कि उसका कार्रवाई और सुनना अनिवार्य। इस विद्यालय के सामने नर्मदा नदी है और उस पार मंडला जिला लगता है, वहाँ के बच्चे आते हैं जो कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में पढ़ने आते हैं। तो एक गाँव खिदरा, दूसरा पिपरिया है। खिदरा लगभग 1 किलोमीटर, पिपरिया 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ के बच्चे अपनी नाव से ग्रुप बनाकर आते हैं और शाम को रिटर्न उसी से होते हैं। कुछ बच्चे उधर घाट चलता है उससे भी कुछ आते हैं, कुछ अपने स्वयं की नाव। लगभग कितने बच्चे होंगे इसको? लगभग 25-30 बच्चे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।